तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम इस फ़ोन से देखकर फ्री हैंड फेस ड्रॉ करेंगे। पहले हम फ्री हैंड फेस आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर साथ साथ ही हम शेडिंग करते चलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। शुरुआत में मैं HB पेंसिल से ही शेडिंग कर रहा हूँ। HB पेंसिल से मैं शेडिंग बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ कर रहा हूँ। आउटलाइन ड्रॉ करने के साथ साथ शेडिंग करने से रियल फ़ोटो और हमारे पोर्ट्रेट को मैच करने में आसानी होती है, जिससे हमें रियल फ़ोटो और हमारे पोर्ट्रेट के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस का पता लग जाता है। लेयर बाय लेयर शेडिंग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं शेडिंग के। और शेडिंग के लिए हमेशा पेंसिल को शार्प रखना चाहिए, बिकॉज शार्प पेंसिल से बहुत ही बढ़िया शेडिंग होती है। आइज की शेडिंग के बाद करते हैं फेस के बाकी एरियाज की शेडिंग। फेस शेडिंग के लिए हमारे पास एक क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो देखने में। रियल फ़ोटो ही ब्लर होगा तो शेडिंग भी अच्छे से नहीं होगी। और इसी के साथ ही हमारी शेडिंग की फर्स्ट लेयर HB पेंसिल से हमने कंप्लीट कर ली है। और अब करते हैं हम HB पेंसिल का यूज करके आईज की शेडिंग। बिकॉज आई काफ़ी डार्क होती हैं, सो मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ डार्क एरियाज में ही मैं प्रेशर से शेडिंग कर रहा हूँ, और लाइट एरियाज को शो करने के लिए मैं बहुत ही लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। फेस के बाकी बचे पार्ट्स की शेडिंग भी हम HB पेंसिल से ही करेंगे। आईब्रोज भी काफ़ी डार्क हैं, तो यहाँ पर भी प्रेशर का अप्लाई करके हम शेडिंग करेंगे। और अब सेकंड आई की शेडिंग करते हैं HB पेंसिल से ही। इस साइड भी शेडिंग के लिए हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। शेडिंग से ही फ्रेंड्स, हमारा जो पोर्ट्रेट है वो अच्छा बन पाता है और बढ़िया इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिससे पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लगने लगता है। शेडिंग के लिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी एक्सपेंसिव पेंसिल या पेपर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से शेडिंग करना जानते हैं तो चाहे किसी भी ब्रांड की पेंसिल ले सकते हैं आप। हमें ब्लेंडिंग से ज़्यादा शेडिंग पर फोकस करना है, बिकॉज शेडिंग से ही हमारे पोर्ट्रेट पर बढ़िया इफेक्ट्स आएंगे। फेस के इन एरियाज में मैं HB पेंसिल से लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग के बाद फ्रेंड्स, अब बारी है ब्लेंडिंग की। सो ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके करते हैं ब्लेंडिंग। फेस शेडिंग की ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टंप सबसे बढ़िया टूल है, बट आप दूसरे टूल का भी यूज कर सकते हैं। हमें पूरे फेस पर लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करनी है। लाइट प्रेशर से ब्लेंडिंग करने से ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ब्लेंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें फेस पर हाइलाइट्स करने हैं, और फेस पर हाइलाइट्स करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है नीडे वाली रेजर। फोटो के अकॉर्डिंग वाइट एरियाज पर ही हमें नीडे वाली रेजर का यूज़ करना है, और जहाँ पर भी वाइट डॉट्स हैं, जैसे कि आईज में है, वहाँ पर आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वाइट डॉट के लिए जगह छोड़ सकते हैं, जिस तरह से मैंने छोड़ी है। नीडे वाली रेजर से हाईलाइट करने के बाद आईज के बाकी पार्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इन पार्ट्स को हमें शेडिंग और ब्लेंडिंग के बाद ही ड्रॉ करना चाहिए। अब सेकेंड आई के लिए ड्रॉ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, बस इतना ही ड्रॉ करेंगे। तो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।